दोस्तों न्यूयॉर्क के एक वैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर शन्ना स्वान है और वो माउंट सिनाई हॉस्पिटल में प्रोफेसर भी है, इनका दावा है कि बढ़ते प्रदूषण के चलते पुरुषों का प्राइवेट पार्ट छोटा हो रहा है। दरअसल डॉक्टर शन्ना स्वान ने अपनी रिसर्च के आधार पर एक किताब लिखी है जिसका नाम काउंट डाउन है, और इस किताब में उन्होंने दावा करते हुए लिखा कि मानवता के आगे बांझपन का संकट पैदा हो सकता है क्योंकि प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल फैटलेट्स एंडोक्राइन सिस्टम पर असर करता है। एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जो हार्मोन्स बनाता है। प्रोफेसर स्वान के मुताबिक बड़ी संख्या में छोटे लिंग वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में आगे लिखा कि फैटलेट्स का इस्तेमाल प्लास्टिक को और फ्लेक्सिबल बनाने में होता है। उनके मुताबिक यह खिलौनों और खाने में ट्रांसमिट हो रहा है और अंत में मानव विकास को नुकसान पहुंचाता है। प्रोफेसर स्वान ने चूहों में पाए जाने वाले फैटलेट सिंड्रोम से रिसर्च शुरू की, जिसमें उन्होंने पाया कि जो भ्रूण इस केमिकल के संपर्क में आते थे वो छोटे जन नांगों के साथ पैदा होते थे, और जिन इंसानी बच्चों का गर्भ में इस केमिकल से संपर्क हुआ उनका लिंग भी छोटा था। अब आपको बताते हैं कि ये शरीर पर कैसे असर करता है। दरअसल फैटलेट्स एस्ट्रोजन हार्मोन की नकल करता है और इसके चलते हार्मोन बनाने का शरीर का काम बिगड़ जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक इससे नवजातों के यौनिक विकास और वयस्कों के व्यवहार पर असर पड़ता है। वहीं 2017 की एक रिसर्च बताती है कि पश्चिमी देशों के पुरुषों का स्पर्म काउंट पिछले 4 दशकों में 50% से भी ज़्यादा तक कम हो गया है। डॉक्टर स्वान का मानना है कि जिस तरह से फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है उससे अधिकतर पुरुष 2045 तक ऐसे स्पर्म बनाने में नाकाम हो जाएंगे जिससे भ्रूण बन सके। लेकिन जब ये रिसर्च सोशल मीडिया पर सामने आई तो कई यूजर्स ने इसके मजे ले लिए, जिनमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अब तो पुरुषों को पर्यावरण की ओर ध्यान देना ही होगा। वहीं इसी लिस्ट में दो बड़ी हस्तियां भी जुड़ी। पहली बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा, जिन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शायद अब दुनिया जलवायु संकट और वायु प्रदूषण को थोड़ी और गंभीरता से लेगी। और दूसरी पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, वही ग्रेटा थनबर्ग जो भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने पर चर्चित रही थी, जिन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आप सभी से अगली जलवायु हड़ताल में मिलती हूँ। इसके साथ ही कई पुरुषों ने भी इस रिसर्च का मजाक उड़ाया। लेकिन स्वान की इस रिसर्च को आप किस नज़रिए से देखते हैं और आप इस रिसर्च को किस हद तक सही मानते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।